सुरभि सिंह, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज पर। जी हाँ, तो रीना रॉय का एक समय में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ अफेयर था, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो पाई, जिसके बाद आपको बता दें कि रीना रॉय ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी की। लेकिन कुछ समय बाद रीना रॉय को ये एहसास हो गया कि मोहसिन खान के साथ वो नहीं रह सकती हैं और मोहसिन खान के साथ उनका तलाक हो गया, जिसके बाद बेटी सनम की कस्टडी मोहसिन खान को मिल गई और मोहसिन खान अपनी बेटी को लेकर पाकिस्तान चले गए। जिसके बाद आपको बता दें कि अपनी बेटी के लिए रीना रॉय ने काफ़ी कुछ किया, उन्हें पाने के लिए काफ़ी कुछ किया। जी हाँ, आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर अपनी बेटी को पाने के लिए वो किस हद तक चली गई थी। जी हाँ, मोहसिन खान के पास अपनी बेटी की कस्टडी थी और रीना रॉय को ये कस्टडी नहीं मिली थी। वहीं आपको बता दें कि रीना रॉय ने अपनी बेटी को पाने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा की भी सहायता ली थी। आपको बता दें कि रीना रॉय और मोहसिन खान ने शादी की, लेकिन इन दोनों की शादी नहीं चल पाई, जिसका असर इनकी बेटी पर पड़ा। आपको बता दें कि बेटी की कस्टडी मोहसिन खान को मिल गई और मोहसिन खान से एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद बेटी की कस्टडी बाद में रीना रॉय को मिल गई। जी हाँ, क्या कुछ किया रीना रॉय ने बेटी को पाने के लिए, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रीना रॉय ने अपनी फिल्मों और अपने अंदाज से लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रीना रॉय ने शादी से पहले ही करीब 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। हालांकि पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी के बाद रीना रॉय ने बॉलीवुड से दूरी बनानी शुरू कर ली थी। शादी के कुछ सालों बाद रीना रॉय और मोहसिन खान अलग हो गए, लेकिन एक्ट्रेस की बेटी अपने पिता के पास ही थी। रीना रॉय ने अपनी बेटी को वापस पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने समुद्र में खड़े होने के साथ साथ साधु संतों का भी सहारा ले लिया था। इस बात का खुलासा खुद रीना रॉय ने एक इंटरव्यू में किया। दरअसल रीना रॉय से सवाल किया गया था कि बेटी को वापस पाने में उन्हें किस तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ी थी, तो इसके जवाब में रीना रॉय ने कहा था कि मुश्किल छोटा शब्द होगा, ये भयावह था। रीना रॉय ने इस बारे में बात करते हुए आगे कहा कि मैंने सनम को वापस पाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शमी आंटी ने घर पर कुछ साधुओं को भेजा था, जिन्होंने मुझे बताया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे समुद्र में खड़ा होना चाहिए और मैंने वो भी किया। जब तक मेरी माँ इन चीज़ों के लिए मुझे रोक नहीं रही थी, तब तक मैंने ऐसे कदम उठाए। रीना रॉय ने मोहसिन खान के बारे में बात करते हुए आगे कहा कि मोहसिन के खिलाफ मेरे दिल में कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरे बाद उन्होंने 2 बार शादियां की, उनकी तीसरी पत्नी उनका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती हैं, वो सनम से जुड़े रहते हैं और वो भी उनसे बहुत प्यार करती हैं। जब भी वो सनम से बात नहीं कर पाते, वो चीज़ों को जानने के लिए मेरे पास कॉल करते हैं। रीना रॉय ने अपने एक्स पति के बारे में बात करते हुए आगे कहा कि मुझे लगता है कि वो सनम को अपने साथ इसीलिए दूर ले गए थे क्योंकि उन्हें महसूस होता था कि मैं उनके पीछे पीछे लंदन तक आ जाऊंगी और वहीं बस जाऊंगी। बता दें कि बेटी को वापस पाने में एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने भी रीना रॉय की काफ़ी मदद की थी। जी हाँ, तो आपको बता दें कि बॉलीवुड में ऑन स्क्रीन जोड़ियों के साथ ऑफ स्क्रीन जोड़ियाँ भी बहुत बनी। ऐसी ही एक जोड़ी थी शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की जोड़ी। दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई। शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम से शादी कर ली, जिसके बाद रीना रॉय की ज़िंदगी में पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान आए। दोनों ने 80 के दशक में शादी कर ली और रीना पाकिस्तान चली गई। शादी के बाद रीना को एक बेटी हुई, जिसका नाम अब सनम है, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। मोहसिन ने उन्हें तलाक देकर घर से निकाल दिया था। रीना को उनकी बेटी की कस्टडी नहीं मिली थी। उन्होंने बहुत कोशिश की जिससे उनकी बेटी उन्हें मिल जाए, लेकिन सनम मोहसिन के पास ही रही। ऐसे मुश्किल वक्त में रीना रॉय की मदद के लिए शत्रुघ्न सिन्हा आगे आए थे। शत्रुघ्न सिन्हा पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक की बेटी के दोस्त थे और इसी कारण उनके घर अभिनेता का आना जाना था। जब रीना की मुश्किल के बारे में उन्हें पता चला, जियाउल हक से कही उन्होंने अनुरोध किया था कि रीना को उनकी बेटी की कस्टडी मिल जाए। जियाउल हक ने शत्रुघ्न सिन्हा की बात मानते हुए सनम की कस्टडी रीना रॉय को सौंप दी। पूनम से शादी के बाद भी रीना रॉय से शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती पर कई सवाल उठे।
जिनके जवाब में उन्होंने एक बार कहा था कि लोगों को इससे क्या एतराज है, रीना की फैमिली हमेशा उनके कॉन्टैक्ट में रही है और कई बार उन्हें गाइडेंस और सलाह भी दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि शादीशुदा होने का ये मतलब नहीं है कि मैं उन्हें इग्नोर कर दूं। वहीं जब पूनम से शत्रुघ्न सिन्हा की शादी तय हो गई थी तब आखिरी वक्त में ही वो यही सोच रहे थे कि शादी करने का अपना फैसला बदल दें। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि आखिरी समय तक मैं चाहता था कि मैं अपना फैसला बदल दूँ। जी हाँ, शादी बॉम्बे में थी और मैं लंदन में था। मैंने इंडिया आने वाली आखिरी फ्लाइट पकड़ी थी। मैं रात में घर पहुंचा और उसी वक्त शादी की। पूनम को उस वक्त लगा कि शायद मैं शादी से पीछे हटने वाला हूं। पूनम हमेशा से मेरे लिए अच्छी रही। वहीं आपको बता दें कि विश्व कप में मैच भारत के हाथों हारने के बाद पूर्व टेस्ट क्रिकेटर मोहसिन खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि मोहसिन खान ने अध्यक्ष एहसान मनी से निवेदन किया कि उन्हें इस पद से मुक्त किया जाए। मोहसिन खान भले ही पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं लेकिन उनका हिंदुस्तान से बहुत खास कनेक्शन रहा है। मोहसिन खान का खास कनेक्शन एक्ट्रेस रीना रॉय से है, जो कि आप सब जानते हैं। करियर के शुरुआती दिनों में ही रीना रॉय शत्रुघ्न सिन्हा के बहुत चर्चे रहे। शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना से शादी नहीं रचाई। इसके बाद रीना की मुलाकात मोहसिन खान से हुई। दोनों ने जल्द शादी करने का फैसला लिया। रीना ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी की। मोहसिन शादी के बाद अपने क्रिकेट करियर को छोड़ बॉलीवुड चले आए। जी हाँ, रीना ने उनके साथ कुछ फिल्मों में काम भी किया और उनकी बेटी हुई। हालांकि दोनों की शादी कुछ वक्त बाद टूट गई। पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहसिन खान संग रीना उस वक्त अपने करियर के टॉप पर थी, लेकिन प्यार में उन्होंने करियर को छोड़ पाकिस्तान क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली थी। रीना और मोहसिन का ये रिश्ता ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाया। दोनों की एक बेटी है और रिपोर्ट के मुताबिक मोहसिन खान अपनी बेटी को जन्नत बुलाते थे, लेकिन रीना रॉय ने उसका नाम सनम रखा था। ये नाम रीना ने 1982 में उनकी हिट फिल्म सनम तेरी कसम से प्रेरित होकर रखा था। रीना और मोहसिन का रिश्ता जब टूटा तो सवाल बेटी की कस्टडी का आया। तलाक के बाद बेटी की कस्टडी मोहसिन खान को मिली। इसके बाद रीना ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार अपनी बेटी की कस्टडी उन्होंने पा ही ली। आपने देखी अब ये रिपोर्ट, आपने जाना कि मोहसिन खान से अपनी बेटी को पाने के लिए रीना रॉय ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी। जी हाँ, अपनी बेटी के लिए उन्होंने बहुत कुछ कहा है। इंटरव्यू में भी कई सारी बातें कही कि उन्हें पाना मुश्किल ही नहीं, भयावह था। जी हाँ, तो आपको इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। फिलहाल और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।